नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लखनऊ में मकान प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं भी प्लान कर रहे हैं, इन फ्यूचर में आपको कभी मकान बनवाना, खुद के मकान के लिए भी ये वीडियो आपके लिए अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बात कर लेते हैं इस मकान की लोकेशन की, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, मेटलक सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है, जो कि पहला प्रोजेक्ट 14 मकानों की गेटेड कॉलोनी है, जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं और लगभग हमारे 10 मकान सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे जो यूनिट्स अवेलेबल हैं, अभी 4 यूनिट्स फिर हमारे पास बची हुई हैं, जो कि आपकी 930 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट की है। अगर आप यहाँ पे मकान प्लान करना चाहते हैं और बात करते हैं लोकेशन की, तो मैंने बताया ये हमारे मेटलक फिडी के नाम से प्रोजेक्ट है, जो कि टेढ़ी पुलिया चौराहे से, जो कि जानकीपुरम के पास में आपका पड़ता है। ये जो एरिया भी लगता है, ये न्यू जानकीपुरम से एरिया है। तो टेढ़ी पुलिया चौराहे से इस प्रोजेक्ट की दूरी जो है वो मात्र 4.5 किलोमीटर है। टेढ़ी पुलिया से आप गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज आते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज के अपोजिट में हमारी ये साइट है, रोड से 800 मीटर की दूरी पर। चारों तरफ अच्छी खासी बसावट है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर एक वो फैसिलिटी अवेलेबल है जिसकी आपको नीड होती है। तो आप चलिए हमारे साथ विजिट करिए, जो हम आपको विजिट कराने वाले हैं मकान की। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हम आपको मकान की विजिट कराने वाले हैं वो 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। अगर इसके एलिवेशन की बात की जाए तो सिंपल एलिवेशन है, लेकिन काफ़ी अच्छा एलिवेशन है और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। तो ये आपको फ्रंट से एलिवेशन मिल जाएगा। इस मकान का जो फ्रंट है वो 20 है और इसकी जो डेप्थ है 47.5 है। प्लॉट एरिया 950 स्क्वायर फीट है और कवर्ड हमारा 1000 स्क्वायर फीट का है। चलिए विजिट कराते हैं इस 2BHK मकान की, बहुत ही अच्छी विजिट होने वाली है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पूरे मकान की विजिट करिएगा। आइए चलते हैं, हम आपको लेके अंदर की तरफ। तो जो आप देख रहे हैं ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का मकान है और इसके अगर पोर्च की बात की जाए तो ये हमारा जो पोर्च है, इसका अगर ये आप चौड़ान देखेंगे तो ये लगभग 9.5 फीट का चौड़ान आपको आएगा, 9.5 से 10 फीट के करीब। और इसका जो डेप्थ आएगा वो 14 फीट का डेप्थ है। तो आराम से आपकी कार पार्क हो जाएगी, बड़ी कार भी पार्क हो जाएगी। और प्लस हमारे पास इस कॉलोनी में एक बेनिफिट आपको पार्किंग के लिए ये भी है, अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे, तो जो आपको फ्रंट रोड मिल रहा है ये हमारा 22 फीट का रोड है। और 22 फीट का जो रोड है ये RCC रोड है। जो आप बाहर की तरफ आप रोड देख रहे हैं, ये 22 फीट का रोड हमारा, जो कि RCC रोड है और सिंगल साइड मकान है। तो आपके सामने आपको फ्रंट जो रोड दिख रहा है तो ये पूरा रोड आपको मिल जाएगा। आप अगर अपने मकान में, आप मकान के सामने अगर पार्किंग अपनी गाड़ी पार्क आप सामने भी करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आराम से आप पार्क कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले जो मकान आएंगे उनका फ्रंट इस तरफ ना आके वो दूसरी तरफ फ्रंट चले जाएगा। तो कॉलोनी का खुद का रोड है। और इस मकान में आप देखेंगे तो हमारे पास 2 एंट्रेंस आते हैं। पहला एंट्रेंस देखेंगे तो इसकी अगर दरवाजे की हाइट की बात की जाए तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट दी गई है वो 8 फीट की हाइट है। और दरवाजे की अगर हाइट की बात की जाए, दरवाजे की आप हाइट देख रहे हैं, ये 8.5 फीट की हाइट है। और इसमें ऊपर जो आप देख रहे हैं प्रॉपर वेंटिलेशन आपके मकान का बना रहे, उसके लिए हमने एक ऊपर से आपका कहते ना दरवाजे के ऊपर जो वेंटिलेशन दिया जाता है, वेंटिलेशन दिया है। और दरवाजे की जो हाइट आप देख रही है 6 फीट का आपको दरवाज़ा मिल जाएगा। और दरवाज़ों की अगर बात की जाए तो बाहर से आपको डबल पल्ले के दरवाजे हैं, बाहर से मॉस्किटो नेट वाला आपको दरवाज़ा मिल जाएगा, जो कि अच्छी खासी क्वालिटी में डबल इसमें जाली लगा के आपको दी जा रही है। और ये वाला दरवाज़ा बात किया जाए तो ये वाला हमारा वुडन का दरवाज़ा है, अच्छी क्वालिटी का दरवाज़ा आपको दिया जा रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ और उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे जीने की। तो जो जीना हम आपको दे रहे हैं ये अगर चौड़ान आप देखेंगे तो 3 फीट चौड़ा आपको जीना मिल जाएगा और यहीं से आपको ऊपर लेके जाएगा। अभी SS की रेलिंग इसमें लगना बाकी है, तो आपकी SS की रेलिंग लग जाएगी, जो कि अच्छी खासी ISI मार्क की आपको रेलिंग लगेगी। MCV पॉइंट आपको बाहर ही मिल जाएगा। और ये हमारा जो मुख्य दरवाज़ा है, जो मेन गेट आपका है, मेन दरवाज़ा आएगा अंदर जाने के लिए, ये दूसरा दरवाज़ा, इसकी भी हाइट 8.5 फीट है। लकड़ी की बात की जाए तो मलेशियन साखू की लकड़ी आपकी चौखट की है। दरवाजे और खिड़की की अगर बात की जाए तो सागौन की सारी लकड़ी हम आपको लगा के दे रहे हैं। अब चलते हैं हम आपको अंदर की तरफ लेके। जैसे ही थोड़ा आप अंदर आएंगे तो ये हमारा डाइनिंग का स्पेस है। और डाइनिंग का स्पेस में अगर देखेंगे तो इस तरफ आप देखेंगे तो ये हमारा किचन जो है वो मॉड्यूलर आएगा। अभी मॉड्यूलर किचन हमारा बन रहा है प्रॉपर्ली। स्पेस अभी थोड़ा सा, एक मिनट रोकना वीडियो, हाँ बताना।
जैसे कि आप देख रहे हैं किचन जो है पूरा मॉड्यूलर है, नीचे से आपके दो ऊपर बॉक्स आ जाएंगे, बीच में चिमनी का स्पेस है जिसमें आपको चिमनी लगा के देंगे, जो कि किचन के साथ में आपको चिमनी मिल जाएगी। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसमें सारे बकेट्स बास्केट्स आपके लग जाएंगे, पूरा मॉड्यूलर आएगा उसकी। अभी देखिए सारे रेड और वाइट कलर के सब चीज़ तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी काम चल रहा है। और पीछे की तरफ ये आपका डाइनिंग का स्पेस है, 6 कुर्सी का टेबल आराम से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है जो कि अटैच वॉशरूम के साथ में है। आइए चलते हैं हम आपको इसके अंदर इसको भी दिखाने के लिए। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है। अगर इसकी साइज़ की बात की जाए तो इसका जो साइज़ है वो 12.5x9 के करीब आएगा। तो ये हमारा बड़ा सा बेडरूम है और प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको वो तो दरवाज़ा मिल ही रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक खिड़की भी मिल जाएगी, जिसका अगर साइज़ देखेंगे छोटी सी खिड़की दी गई है, 1.5x आपका ये आपका 5 है। और नीचे आपके मॉड्यूलर सारे हमने स्विचेस लगाए हैं, सारे मॉड्यूलर स्विचेस हैं जो कि आपको हैवेल्स कंपनी के दिए जा रहे हैं, अच्छी खासी ब्रांडेड है। और उसके बाद देखेंगे जो पीछे की तरफ आप वॉशरूम देखेंगे, ये हमारा वॉशरूम जो है ये आपको वेस्टर्न मिलेगा जो कि बेडरूम के साथ आपको अटैच मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बड़ा सा आपका बाथरूम है और सारी फिटिंग्स जो हैं अच्छी कंपनी ब्रांडेड कंपनी की आपकी सारी फिटिंग्स इसमें लगा, सैनिटरी फिटिंग्स जो भी आएंगी अच्छी कंपनी की आपको लगा के दी जा रही हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। अब ये हमारा दूसरा बेडरूम है। बेडरूम की अगर साइज की बात की जाए तो लगभग सेम साइज उसी की तरह 12.5x9 बेडरूम है। और इस पर क्या है कि ऊपर अगर देखेंगे इसमें फॉल सीलिंग तो आपकी नहीं है जो भी, लेकिन हमारा पेंट वर्क है जो भी पीओपी वर्क है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा पीओपी वर्क करके आपको दिया जा रहा है। एक वॉल आपकी जो है डार्क कलर की दी गई है और तीनों वॉल आपकी लाइट कलर की दी गई है ताकि आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो कलर का होता है वो अच्छे से बना रहे। और इसी बेडरूम के साथ में आपको एक अटैच मिल जाएगा बड़ा सा ओटीएस जिसमें अपनी वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं और उसको अदर स्पेस में भी यूज कर सकते हैं। तो बड़ा सा ओटीएस आपको हम बना के दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या रहता है जब आपका मकान बनता है तो चीज़ें आपके सामने विजिबल रहती हैं। जिस तरीके से अगर आप मॉडिफिकेशन अपने मकान में करवाना चाहते हैं, तो ज़मीन से हम मकान बनाते हैं तो हम आपके अकॉर्डिंग आपके मकान के नक्शे में फेर बदल करके आपके अकॉर्डिंग आपका मकान बना के हैंडओवर करते हैं। अब लेके चलते हैं हम आपको बाहर की तरफ, जिसमें हमारा ड्राइंग हॉल है कि बाथरूम जो आपका कॉमन वॉशरूम आएगा उसकी तरफ, कॉमन वॉशरूम है जो कि इंडियन दिया गया है, उसी से फटा हुआ आपको बड़ा सा एक ओटीएस मिल जा रहा है। आप ओटीएस का भी जाल देख सकते हैं, जाल सारे हम आपको ढक के देंगे। इधर आप देखेंगे वॉश बेसिन मिल जाती है, सॉरी सिंक बोल दिया मैंने, आपको वॉश बेसिन बड़ी सी मिल जाती है और ऊपर आपको जाल मिल जाता है ओटीएस में, ताकि आपके मकान में क्या है कि दिन में उजाला रहे, अगर लाइट नहीं भी है तब भी आपको दिन में उजाला मिले। ये हमारा कॉमन वॉशरूम था जो कि इंडियन आपको मिल रहा है। और इसका भी स्पेस आप देख सकते हैं लगभग 6x7 का आपको ये बड़ा सा कॉमन वॉशरूम मिल जा रहा है। अब हम आपको लेके जो चल रहे हैं हमारा, ये आप देखेंगे जो मेन स्पेस अगर देखा जाता है गेस्ट वगैरह वगैरह के लिए, तो उसको हमने थोड़ा अच्छे से सजाया। अभी थोड़ा सा सामान बिखरा पड़ा हुआ है तो उसका आप ना देखकर आप देखिएगा, इसका जो साइज है 12x9 के करीब इसका भी साइज है। और ऊपर की बात की जाए तो पूरी फॉल सीलिंग करके हम आपको दे रहे हैं, बड़ा सा ये हमारा मकान है। प्लॉट एरिया की बात जैसे मैंने की थी वो हमारा 950 square feet है, और कवर्ड एरिया की बात की थी वो 1000 इसलिए क्योंकि हमारी जो ममटी रहती है वो बड़ी रहती है, जिसमें हम स्टोर के साथ आपको ममटी देते हैं। अब थोड़ा हम आपको ऊपर लेके चलेंगे तो वीडियो में अभी बने रहें, अभी वीडियो हमारी लास्ट नहीं हुई है। अब आपको लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर जो ओटीएस वो हो रही है आपकी जो ममटी है, ममटी में क्या स्पेस दे रहे हैं, सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें हैं, बाहर की बसावट कैसी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो ये अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट, अगर एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हमारा जो वीडियो बनाने का प्रोत्साहन होता है वो बढ़ जाता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब लेके चलते हैं हम आपको ममटी की तरफ, छत की तरफ, छत से सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम आपको बारीकी से बताएँगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया था ममटी का स्पेस अगर आप देखेंगे तो ममटी का स्पेस एक बार देख लीजिए, एक बार ममटी का स्पेस दिखा दीजिएगा।
तो देखिए बड़ा सा ममटी का स्पेस भी आपको मिल जा रहा है, इसी वजह से हमारी 50 स्क्वायर फीट की ममटी बढ़ जाती है। हम आपको बड़ा सा स्टोर टाइप में आपको ममटी बना के देते हैं। अब बात की जाए चारों तरफ सराउंडिंग की, तो आप एक बार इधर भी दिखा दीजिएगा। यहाँ पे जो आसपास की बसावट आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बसावट है, पूरा क्राउड एरिया है, मार्केट और स्कूल हॉस्पिटल सारी चीज़ें आसपास में आपको मिल जाएंगी। सारी स्कूल की बसेस यहाँ पे आपको आ जाती हैं, जैसे DPS हो गया, LPS हो गया। अब एक बार पीछे भी दिखा दीजिएगा, तो इसकी छत आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी छत है आपकी, तो बड़ी सी छत मिल जाती है। अगर आप हिंदू हैं और मंदिर की रिक्वायरमेंट, आपको जस्ट पीछे हमारे आपकी कॉलोनी के मंदिर मिल जाता है। अगर आप मुस्लिम हैं, जस्ट आपको सामने मस्जिद मिल जाती है। तो मंदिर मस्जिद सारी चीज़ें आपकी पास में हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, फैसिलिटी अगर रहने के लिए बहुत अच्छी सारी जगह हैं। तो अगर आप इस एरिया में मकान प्लान कर रहे हैं, अगर मकान देख रहे हैं, एक अच्छी लोकेशन में मकान देख रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, इस साइट को देखना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमें कॉल करें। मेरा नाम राहुल वर्मा है, जो इस साइट का मैं सेल्स मैनेजर हूँ, तो इसमें कोई कमीशन की बात नहीं होती है। ऑन द फीदा आप सीधे कंपनी के एम्प्लॉई से बात करते हैं। दिए गए नंबर पर आप बात करें, कॉल करें, हमसे संपर्क करें और इस साइट की विजिट करें। और अंत में यही कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।